fulfill, will I be faithful to that word and experience that in my life? और प्रश्न ये Will I be there for क्या it? जब उसका वचन पूरा होगा तो मैं उसमें उस भाग होऊंगा, मैं वहां पर होऊंगा या नहीं? Amen. What a challenge that is. और कैसी चुनौती ये है? I tell you, saints, God's word will be fulfilled that He will have a glorious bride without spot and wrinkle. But when that word is fulfilled upon this earth in a remnant people, will I be a part of that? Is the question. और प्रश्न यह है कि परमेश्वर के पास उसकी अपनी एक दुल्हन होगी जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा या झुर्री नहीं होगी, लेकिन जब यह वचन पूरा होगा तो प्रश्न यह उठता है कि क्या Will मैं भी उसमें होगा या नहीं? Amen. Will I deviate? या मैं Will I go my way? या मैं अपने मार्ग में चल जाऊंगा? या मैं समझौता करूंगा? Will I love the world? और संसार के pleasures of sin? और पाप के जो शान शौकत है उसके साथ? Will I go after prosperity? और क्या मैं Will I go after honor of men? और मनुष्यों के आदर में जाऊंगा? Will I compromise in my life? क्या अपने जीवन में मैं समझौता करूंगा? One thing is very true, saints. और एक चीज बिल्कुल One thing is very true. एक चीज बिल्कुल सच है. His word will be fulfilled. उसका वचन God said to the children of Israel. परमेश्वर ने इसराइली बच्चों से कहा, I have brought you out. मैंने तुम्हें बाहर निकाला है. To bring you in. ताकि मैं तुम्हें अंदर भी ले जाऊं. Did that word get fulfilled? क्या वो वचन पूरा हुआ? Was that word fulfilled? क्या वो वचन पूरा हुआ? That word was fulfilled. और वो वचन पूरा हुआ. But when that word was fulfilled, लेकिन जब वो वचन पूरा हुआ, that whole generation, वो पूरी पीढ़ी, that whole generation, वो पूरी पीढ़ी, that heard that word, जिन्होंने ये वचन सुना था, they were not there, वो वहाँ नहीं थे. And I feel sad today. और मेरे को दुख है. As I minister this word here, और जैसे कि मैं आज there are many who began with this call in this place. और बहुत हैं जिन्होंने इस स्थान में शुरुआत की. And what is my future? और मेरा What is my future? मेरा भविष्य क्या? Will I be there when this word is fulfilled? क्या ये वचन जब पूरा होगा तो मैं मौजूद होगा? History will be repeated in my life? या इतिहास मेरे जीवन में फिर से दोहराया जाएगा? Saints of God, परमेश्वर के पवित्र, young and old, I want to encourage you. जवान और बड़े जो भी हैं, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ. In the love of the Lord, प्रभु के प्रेम में. God's word will never fail. परमेश्वर का वचन कभी नहीं होगा. Amen. Let's say amen. Amen. God's word will never fail. परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होगा. When that will be fulfilled, लेकिन जब वो पूरा will होगा, I be part of that? क्या मैं उसमें भाग लूंगा? How many will experience its fulfillment? That is the issue. क्या मैं उसका अनुभव करूंगा? यही मुख्य विषय है. Word of my patience. मेरे धीरज का वचन. Word of my patience. मेरे धीरज का वचन. They kept the word of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया. उसको थामे रहे. Through darkness, through discouragements, through situations, allegations, they gave themselves to that word. परीक्षाओं के अंदर, अंधकार के अंदर, आरोपों के अंदर, हर एक चीज, हर एक परिस्थिति के अंदर उन्होंने इस वचन को थामे रहा. Dear brethren, brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this is the cry of my heart, और ये मेरे हृदय की पुकार है, that I may be part of God's people when that word is fulfilled, कि मैं परमेश्वर के लोगों में मेरा भाग हो जबकि वो वचन परमेश्वर पूरा करेगा. We see the example of Daniel. हम डैनियल के उदाहरण को देखते हैं पुराने नियम के अंदर. A tremendous man. एक अद्भुत व्यक्ति था वो. A man who was faithful to God's word. और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के लिए वफादार था. A man who was so conscious of his own weakness. और जो अपनी कमजोरियों के इतनी चिंतन करता था. Don't think Daniel was a very strong man in every way. और ये ना सोचे कि डैनियल जो था हर तरीके से बहुत ही बलवान था. The only thing that Daniel had was a heart for God. एक चीज जो डैनियल के पास थी वो हृदय जो परमेश्वर के लिए, लिटिल स्ट्रेंथ फॉर द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड, और वो थोड़ा सा बल उसके पास जाता प्रभु परमेश्वर की गवाही के लिए. टर्न विद मी टू डैनियल चैप्टर 8. डैनियल की पुस्तक और आठवां अध्याय. थैंक यू लॉर्ड. द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 10. आई एम सॉरी. डैनियल की पुस्तक और दसवां अध्याय. We see here in verse 8, I therefore I was left alone and saw this great vision.
And there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. So मैं अकेला रह गया और बड़ा दर्शन देखा और मुझ में ताब ना रही क्योंकि मेरी ताजगी जो थी मर चुकी थी yes. बदल गई थी और मेरी ताकत जाती रही थी yes. We see very clearly. हम स्पष्टता से देखते हैं that he was a weak man. कि वो एक कमजोर व्यक्ति था. He was a weak man. वो एक कमजोर दुर्बल व्यक्ति था. And it says here, no strength in me, and my comeliness was turned into corruption. और मेरे अंदर कोई सामर्थ्य ना बची और मैं बिल्कुल वृद्धा सा हो गया. मेरी ताजगी जो थी वो मर चुकी थी. And again we read in verse 9, yet I heard the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then I was in deep sleep on my face, and my face toward the ground. And behold, an hand touched me, which set me upon my knees, and upon the palms of my hands. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken these words unto me, I stood trembling. So here we find how we see that Daniel wasn't a strong man. तो हम देखते हैं कि डैनियल जो था वो एक बलवान व्यक्ति नहीं था. He was a man who was weak, and we see that he fell on his face and he was sleeping. और हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति था जो कमजोर था और हम देखते हैं कि वो मुंह के बल गिरा और गहरी नींद में चला गया. The Lord came. लेकिन प्रभु आया. The Lord saw his heart. प्रभु ने उसके हृदय को देखा. You know, saints, and that is very important that the Lord sees our hearts and our conditions within. और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमारे हृदय और हमारी परिस्थिति को अंदर से देखे. That's something that we must acknowledge that it's not a matter of that we are weak, but a heart within us that is holding on to God. और हम कमजोर हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो हृदय जो हमारा है वो परमेश्वर के प्रति. And you see how the Lord comes, he says, oh man greatly beloved. और हम देखते हैं कि प्रभु उसके पास आकर कहता है कि हे व्यक्ति जो इतना प्रिय है. His strength was in God. और उसकी बल उसका सामर्थ्य परमेश्वर में था. Because his heart was towards God. क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति था. Saints, even if we are weak, और यदि हम कमजोर भी हैं, when our heart is toward God, जब हमारा हृदय परमेश्वर की ओर होता है, God becomes our strength. तो परमेश्वर हमारा बल बन जाता है. Yes. He becomes our strength. वो हमारी सामर्थ्य और बल बन जाता है. It's not our sufficiency. और ऐसा नहीं कि हम पर्याप्त हैं. In our insufficiencies, our heart is still holding on to the word he has spoken in our hearts. और जब हम नाकाफी होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं, और फिर भी उसका वचन जो है हमारे हृदय में बात करता है. Daniel's strength was in God. और डैनियल का बल था परमेश्वर में, अपने आप में नहीं. He was one who kept the word of the Lord. और वो ऐसा था जो कि परमेश्वर के वचन का पालन करता था. Yes. And we know as we read in the book of Daniel. और जब हम डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, He was one who read the book of Jeremiah. और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने यर्मिया की पुस्तक को पढ़ा. And he read there the captivity is for 70 long years. और उसने वहाँ पर पढ़ा
कि वो गुलामी जो है 70 लंबे वर्षों की है. Daniel knew this. और डैनियल इसको जानता था. He held on to that word. और उस वचन को उसने थामे रखा. And the word of the Lord came to him again. और परमेश्वर का वचन उसे फिर आया. 70 years is a long time. 70 वर्ष की अवधि एक लंबा अरसा है. Yes or no? And 70 long years. 70 long years Daniel held on to that word. 70 वर्षों की लंबी अवधि तक डैनियल ने उस वचन को थामे रखा. He had discovered the word of the Lord. और उसने परमेश्वर के वचन को He did not let it go. और उसने उसको हाथ से जाने नहीं दिया. He kept the word through all those difficult times in Babylon. और बाबुल के अंदर उन सारे कठिन समयों के अंदर भी उसने उस वचन को थामे रखा. He held that word that God will restore Israel. और उसने इस वचन को थाम लिया कि परमेश्वर He will build again the ruins of Jerusalem. और यरूशलम के खंडहरों को वो फिर बनाएगा. He will build again the church of Jesus Christ. और यीशु मसीह की कलीसिया को वो फिर बनाएगा. He will restore that which is lost. और वो जो खो चुका है उसको बहाल करेगा. If ever a man who did not deny his name in those days, it was Daniel. And these three brothers. यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने के परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया तो वो डैनियल और उसके साथी थे. Nebuchadnezzar was a great name in Babylon. बाबुल के अंदर नबुकदनज़र का नाम एक बहुत बड़ा नाम था. In a way, it was a great name in the earth in those days. और दूसरे शब्दों में पूरी पृथ्वी पर वो बहुत बड़ा नाम था. He was invading and invading countries. और क्योंकि वो देश के बाद दूसरे देशों पर हमला करके अपने कब्जे में ले रहा था. और उसका जो राज था वो इतना बड़ा था. So increased. और इतना बढ़ चुका था. Now there were only two names. और केवल दो नाम थे. One was the name of Jehovah. The other one was the name of Nebuchadnezzar. और दो नाम थे, एक यहोवा का नाम था और दूसरा नबुकदनज़र का. In the midst of that, और उसके बीच में, Daniel did not deny the name of the Lord. डैनियल ने परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया. How many opportunities, situations came into the life of Daniel? डैनियल के जीवन में कैसे मौके आए, कैसी परिस्थितियां आईं? But they held on. To the name of the Lord and not that great name of Nebuchadnezzar. और लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम को थामे रखा और वो बहान और बड़ा नाम नबुकदनज़र का जो था उसको They held on to the word of his patience. और उसने उन्होंने उसके धीरज के वचन को And it was a long drawn time for Daniel, 70 long years. और डैनियल He began with Nebuchadnezzar, isn't it? He began with Nebuchadnezzar. और उसने नबुकदनज़र से ही शुरू की थी. How many kingdoms came? और उसके पश्चात कितने राज्य आए? Over 70 long years. 70 लंबे वर्षों की अवधि में. All those kings came and they perished. और वो सारे राजा आए और उनका विनाश हो गया. They threatened his life. और उन्होंने उसके जीवन पर धमकियां दी. But because he held on to the word of his patience, he continued. Amen. और लेकिन जब तक कि उसने उस धीरज के वचन को थामे रखा वो निरंतर रूप से He continued. वो चलता रहा. He continued on. और वो चलता रहा. Word of his patience. उसके धीरज के वचन. It was a long drawn time. और एक लंबा समय की अवधि थी. He was an old man. वो एक बूढ़ा था. When you read about these, you know, the things that are written in chapter 10 and 11 and all that, he had grown old by this time. और 70 years have come to 10 11 और आगे के अध्यायों को पढ़े तो हम देखते हैं कि वो तब तक बूढ़ा हो चुका था. Almost 70 years are coming to a close. और वो 70 वर्ष की अवधि अब खत्म होने वाली थी. He held on to all those years. और लेकिन उसने उन सारे वर्षों में इस चीज को थामे रहा. He held on. वो थामे रहा. No doubting. इसमें कोई संदेह नहीं. Many things happen, as you know. और जैसे हम जानते हैं कि बहुत सी बातें घटी. The fires would have devoured them. और आग उन्हें निगल सकती थी. The lions would have consumed them. और शेर उन्हें खा सकते थे. But the word of the Lord. लेकिन परमेश्वर का वचन. They held on to that. वो उसी को थामे हुए थे. Knowing. जानते हुए. God's word. परमेश्वर का वचन. Will find its fulfillment. वो अवश्य पूरा होगा. Neither fire. ना आग, nor lions, और ना शेर, or any other thing can या कोई भी चीज, what God has promised, जो परमेश्वर ने वाचा दिया है, उसमें वादा It's नहीं, going to be fulfilled, और ये अवश्य पूरा होगा.
It's going to be fulfilled. अवश्य पूरा होगा. Jerusalem will be restored back. और यरूशलम को फिर से बहाल किया जाएगा. And what do we find? और हम क्या देखते हैं? The Lord coming and saying. और प्रभु आकर कहते हैं. Oh Daniel. Oh Daniel. You see verse 19. 19वां वचन. And said, verse 18. Then came again and touched me. And there came again and touched me one like the appearance of a man. And he strengthened me and said, Oh man greatly beloved, fear not. Peace be unto thee. Be strong, and yea, be strong. And he asked, and he had, and when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. And it says, O man, greatly beloved. और यहाँ उसके लिए भी कहा गया कि हे मनुष्य जो इतना प्रिय है. Just as the Lord said unto the church in Philadelphia. और जिस प्रकार से फिलाडेल्फिया की कलीसिया को भी. I love you. I love you. Daniel, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. Just as the Lord spoke unto the church in Philadelphia. जिस प्रकार से प्रभु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा. I have loved thee, Daniel. Daniel, मैंने तुझसे प्रेम किया है. The faithfulness. वफादारी. Saints, faithfulness is something unto which God will draw Himself. और हमारी वफादारी कुछ ऐसी चीज है जिसकी ओर परमेश्वर अपने आप को खिंचावा लाएगा. Amen. They held on to that word of his patience through difficulties, through darkness, through reproaches, through rejections. वो परमेश्वर के उस धीरज के वचन को ही थामे रहे अंधकार में, परीक्षाओं में, हर एक परिस्थिति के अंदर. You know, saints, one thing I want to warn us. और एक चीज की चेतावनी मैं देना चाहता हूं. It is so easy. और बहुत आसान है. When everything goes well. कि हर एक चीज जब भली भांति चलती है तो वचन की प्रशंसा की जाती है. But when things go wrong. लेकिन जब चीजें गलत हो जाती हैं. When you are in the thick of reproaches, misunderstandings. और जब आपको गलत फहमियों में, rejections of men, तिरस्कारों में, आरोप, allegations, आरोप लगाए जाते हैं, ill spoken, slander, कहा जाता है, पीठ पीछे बातें की जाती है, when things go into pieces, और जब कि चीजें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, when you see that is the Lord with us, और जहां पर हम देखते हैं कि क्या प्रभु हमारे साथ है. Then, तब, then, what and how we will react? तब हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी और कैसे हम करेंगे? What God has spoken, what will we do with that? जो परमेश्वर ने कहा है हम उसके साथ क्या करें? Do I throw away? क्या मैं उसे फेंक देता हूँ? Do I abandon? क्या मैं उसे छोड़ देता हूँ? There's normally one word that people use. You know, when the ships come into difficulties and turmoil in the sea. और एक चीज लोग कहते हैं जब के पानी के जहाज समंदर के तूफानों में आते हैं. They use an English word called jettison. They throw away things. और एक अंग्रेजी का शब्द है jettison, यानी कि चीजों को फेंक दो, हल्का करो जहाज. Why they do is that? और वो क्यों करते हैं? Lighten the ship. कि जहाज को हल्का किया जाए. Throw away things. चीजों को फेंक दिया जाए. So that they may somehow survive. कि किसी ना किसी प्रकार से उस तूफान से वो बच सकें जो समंदर में आया. Now the question is that do we jettison the word that God has given to us? परंतु प्रश्न ये आता है कि क्या हम उस शब्द को, वचन को जो परमेश्वर हमें देता है, हम उसे फेंक देते हैं? You know, the word that we read in Ephesians and Colossians, the tremendous word we read in the book of Hebrews, all that God has spoken and opened our eyes to see, we just abandon them, we just reject them, so that we may survive this critical situation. What is our mentality?
हमारी विचारधारणा कैसी होती है जबकि हम उन वचनों को जो कि इफिसियों में फिलिपियों में और दूसरी जगहों में परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है जब परिस्थिति आती है तो क्या हम उसको फेंक देते हैं? Yeah, that word was okay, it was wonderful then, but now in this situation it looks difficult, it's going to really make my future dark, it's going to be the darkest for me, things are not going to happen in my life and therefore I'm going to jettison this vision, I'm going to jettison this word. Many have done that. और जब चीजें भली भांति मेरे साथ चल रही थी तो वचन